नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हम आपके अपने चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग में। तो आज हम हाइकिन अशी कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इधर लिखा है 1 लाख प्रॉफिट इन 1 डे, मतलब ये बहुत ही पॉसिबल है अगर ये आप हाइकिन अशी कैंडल स्ट्रेटजी फॉलो करो और लॉट साइज अपनी बढ़ा दो तो। लेकिन आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करना ज़रूरी है। वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कैसे होती है वो भी हम हमारे ट्रेनिंग में सब सिखा देते हैं। तो ट्रेनिंग में सब कुछ है, हाइकिन अशी का भी हमने कुछ पार्ट इंक्लूड किया है ट्रेनिंग में, ताकि वो आपको थोड़ी सी और आसानी हो समझ में। लेकिन आज मैं थोड़ा फ्री में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक बार लोगों को पता चल गया कि ऐसे भी प्रॉफिट हो सकता है तो लोग अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो चलिए हम अपने काइट टर्मिनल पे चलते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो आपको समझ आए वो कीजिए। अगर अच्छी लगी स्ट्रेटजी तो आप कमेंट करके बताइए, अच्छी है मुझे पता नहीं थी, या फिर आप कमेंट करके फिर डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ये हम आ गए हमारे काइट के टर्मिनल पे। तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी में ये दिखा देता हूँ पहले कैसे ये हमारी स्ट्रेटजी वर्क करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते और उधर लॉट साइज बढ़ा के आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। 1-2 लाख तो आराम से कमा सकते हो अगर आपका लॉट साइज ज़्यादा हो तो। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको बड़ा कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मतलब ये उसमें ज़्यादा कुछ नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं, 2-3 सिर्फ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो ये इधर जो हमें दिख रहा है, देखिए 5 मिनट का लगा लीजिए आप, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। जब भी आप इंट्राडे करते हो तो मैं 5 मिनट में करता हूँ, इसलिए आप भी 5 मिनट में ही करो, क्योंकि 5 मिनट में कैसे मूवमेंट भी फास्ट होती है, 15 मिनट में आपको बहुत देर तक रुकना पड़ता है। ये देखिए, ये आज का चार्ट है, 12 तारीख का, 3 तारीख का, सॉरी 3rd ऑफ दिसंबर का चार्ट है, 3/12 का। इसमें देखिए आप ये मूवमेंट देख सकते हैं बैंक निफ्टी का। अरे आप यहाँ हाइकिन ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, देखिए जो कैंडल का टाइप होता है एक, जो ये देखिए डिस्प्ले में जाइए, ये देखिए हम अभी नॉर्मल कैंडल यूज कर रहे हैं, ये बार है, ये अभी बार में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही रहती है, एक प्रकार जो रहता है उसमें रहता है हाइकिन अशी, ये नीचे रहता है इधर, इस पर क्लिक कर दीजिए आप हाइकिन अशी। ये देखिए अब कैसे आ गया, ये चार्ट आप ऑब्जर्व कीजिए और फिर एक बार कैंडल लगाइए, फिर आप ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए कैंडल में कैसा है, देखिए पहले ग्रीन है, फिर रेड रेड ग्रीन रेड, जैसे मतलब वॉल्यूम बायर की तरफ जाता है तो ग्रीन, सेलर की तरफ जाता है तो रेड। लेकिन हाइकिन अशी में आप देखिए डिफरेंस है थोड़ा, हाइकिन अशी पे जाइए फिर एक बार। ये देखिए हाइकिन अशी में एक तो एक बार ग्रीन शुरू हो गया तो ये ग्रीन ही चल रहा है, रेड शुरू हो गया रेड ही चल रहा है, देख रहे हैं, ये रेड शुरू हो गया रेड चल रहा है, ग्रीन शुरू हो गया ग्रीन ही चल रहा है। अब देखिए देखिए कैसे करना है आपको, क्या करना है अब इधर देखिए, समझो ये आपका रेड ग्रीन तैयार हो गया, देखिए 9:45 की कैंडल, देखिए ये आपकी ग्रीन तैयार हो गई। तो आप क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए। तो क्या करना है, ये देखिए 9:45 पे ग्रीन कैंडल तैयार हो गई है। तो क्या करना है, इसका जो हाई ग्रीन का वो क्या है, ये कितना है, 29,746। ओके, ये इसके हाई पे मैंने मार्क कर दिया इसके। फिर क्या करेगी, कोई तो कैंडल इसको ब्रेक करेगी इसके आगे वाली हाइकिन अशी में। हाइकिन अशी में क्या होता है, अभी ये ट्रेंड जो है पूरा ग्रीन, ये बता रहा है कि यहाँ सिर्फ बायर ही एक्टिव है, मतलब इसने फिल्टर कर दिया है, जो मतलब फॉल्स सिग्नल आ रहे थे हमारे कैंडल चार्ट में, जिसमें थोड़ा सा रेड रेड भी आ रहे थे, उसमें क्या था, वो वॉल्यूम था, वो उस मिनट में वो वॉल्यूम था, इसीलिए वो कैंडल तैयार हो गई। लेकिन हाइकिन अशी में ऐसा नहीं, जो ट्रू सिग्नल होता है वही दिखाता है। और ये देखिए, ये जो कैंडल है 10 बजे की, इसने इसका हाई तोड़ दिया, तो यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये क्या एंट्री पॉइंट होगा, 746 पे हो गया, 29,746 पे। और देखिए ये कहाँ तक चला गया, इधर गया है, ये कितना गया है, ये देखिए 29,896, मतलब ये पूरा 150 पॉइंट के ऊपर गया है। देखिए 150 मतलब बहुत हो गए, 100 पॉइंट भी है तो एक लॉट है तो 2,500 है आपकी,
ऐसे आपकी मतलब 100 लॉट हो गए तो आप कैलकुलेट कर दीजिए क्या कितना हो सकता है प्रॉफिट। और अब यहाँ कैसे एग्जिट होना है ये भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ गए एक बार, जब भी पहली मतलब ये पूरे ग्रीन के बाद पहली रेड कैंडल होगी, उसका जो अगर लो टूटेगा तो वहां से आप एग्जिट हो लेना। मतलब अगर आप यहाँ से भी अगर एग्जिट होते तो भी आपको लगभग 50 पॉइंट्स तो वो उधर ही मिल गए। वैसा है वैसे आप सेल साइड देखिए। अब सेल साइड क्या करना है, अभी आप बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये पहली जो कैंडल थी वो भी ग्रीन थी 9:15 बजे की, लेकिन यहाँ हमने एंट्री क्यों नहीं ली? क्योंकि इसका जो हाई था वो उसके अगली कैंडल ने तोड़ा नहीं ना, इसीलिए हमने एंट्री नहीं ली। और फिर ये बीच में ही दो रेड कैंडल तैयार हो गई, इसीलिए ये सेटअप फेल हो गया। फिर आगे से इधर से सेटअप चालू हो गया। वैसे ही देखना है, वैसे इधर किधर ये पहला रेड शुरू हो गया, ये पहली सेलिंग की तरफ देखते हैं हम। ये है रेड कैंडल, इसका लो क्या है, इसका लो हो गया 29,785, इधर हम मार्क कर देंगे। इसको किसने तोड़ा है, इसके अगली कैंडल ने तोड़ दिया है ना लो को, मतलब ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया 785 पे। बराबर 785 पे अगर आप एंट्री ले लोगे तो ये देखिए कितना नीचे गया है, इधर तक गया है, ये 715 तक गया है, मतलब लगभग 60-70 पॉइंट गया है। ये आपको वैसे ही मिल गए 60-70 पॉइंट। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले पेपर ट्रेडिंग करो फिर आप ट्रेड करो, आसानी से आपके प्रॉफिट होगा। ये फिर भी नीचे गए, उसके भी नीचे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब इधर ये ग्रीन तैयार हो गई तभी आप एग्जिट हो जाना। वैसे आप किधर भी ये चेक कर सकते, ये देखिए आगे अगर आप बहुत देर तक होल्ड करोगे तो ये पूरा नीचे चला गया है, ये तो बहुत मतलब 200-300 पॉइंट नीचे चला गया है। इतना प्रॉफिट तो बहुत हो जाता है, एक लॉट है तो भी आपको ये 10-15 हज़ार दे जाएगा। अगर ज़्यादा लॉट हो गए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आज के दिन का हो गया। थोड़ा बैक टेस्टिंग भी कर लेते, ये देखिए अब बैक टेस्टिंग ये पिछले कल का ही है, ये देखिए कल के दिन का। इधर इधर स्टार्टिंग में ये देखिए ये 12 बजे था, 12:40 को ग्रीन खत्म हो गई, पहली रेड चालू हो गई, पहली रेड को 12:45 को चालू हो गई। 12:45 को देखिए इसका लो क्या है, ये है कितना है 29,680, अगले ही कैंडल ने तोड़ दिया, तो आप ले लीजिए इधर से एंट्री ले लीजिए। और फिर देखिए ये कब तक आपकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल नहीं बनती, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इधर बनी है तो इधर एग्जिट हो जाइए, तो इधर आप एग्जिट भी हो गए, तो ये हो गया 4,472, मतलब ये पूरा कितना पॉइंट का हो गया, मोर देन 200 पॉइंट्स है। बैंक निफ्टी में इतने पॉइंट मतलब आप सोच सकते हो कितना प्रॉफिट होता है, इतनी इजी स्ट्रेटजी है ये, लेकिन कोई आपको फ्री में बताएगा नहीं। कि मैंने आज इसीलिए बता दी कि मैं चाहता हूँ कि आप इससे भी प्रॉफिट करो, और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें और भी इससे भी इजी स्ट्रेटजी है, और वो तो 100% एकदम मतलब श्योर शॉट आपको प्रॉफिट ही दे जाएगी। ऐसा ट्रेनिंग सेटअप हमने बनाया है और वो सीखने के लिए भी आसान है। एक बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना पावरफुल सेटअप है। तो आप उधर आइए, जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, फ्री कॉल लीजिए, पेड कॉल्स लीजिए, उसमें से प्रॉफिट कीजिए, फिर आप ट्रेनिंग की फीस दीजिए। अब जैसे डॉक्टर फी लेता है आपको अगर बीमारी हो जाए, वैसे ही मैं यहाँ फी लेता हूँ, ताकि आप भी वो सीरियसली सीख सको और अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, फिर प्रॉफिट करो, और फिर आपको ना पेड कॉल्स की जरूरत पड़ेगी ना कोई फ्री कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। आप अपने कॉल खुद बना सकते हो, सब कुछ खुद बना सकते हो। एक बार आप प्रॉफिट करके देखो, फिर आपको वो सेटअप ट्रेनिंग पे विश्वास हो जाएगा। एक बार आइए, जुड़िए, प्रॉफिट कीजिए, फिर हम उधर ही मिलेंगे। चलो मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी लोगों तक पहुँचाइए, स्ट्रेटजी भी पहुँचाइए, कमेंट कीजिए कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।